वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? सर मैं वकास बोल रहा हूँ नौशेरा पब्बी से। जी फरमाए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं एक बकरी लेकर आई हूँ, बीतल नस्ल की, वो बहुत दुबली पतली थी, तो जिससे मैंने खरीदा उसने कहा मैं पंजाब से लेकर आई हूँ, गाड़ियों में से धक्के खाए हैं, तो ये मसला है वो मसला है, मैं नया नया मतलब इस फील्ड में आया हूँ ना, तो उसने मुझे वो दे दिया। एक तो उसको मोशन थे बहुत खतरनाक किस्म के, तो मैंने आपकी यूट्यूब की वीडियो देखी, तो उसमें तो जो चाह रही थी उसके मुताबिक मैंने ट्रीट किया, बिल्कुल ठीक हो गई है माशाल्लाह। वो इतनी दुबली है ना कि अगर हम उसको जो कमर वाली जगह को आपस में वो करें ना, तो दोनों स्किन आपस में मिल सकते हैं। ठीक। मेरे पास घर में जो पड़ी है, मकई पड़ी है, गंदम पड़ी है, और इसके अलावा वंडा पड़ा है, ये बूरा पड़ा है जो है। उसका बूरा होता है, छान छान जो होता है, हाँ। चारा भी है मेरे पास, मकई वाला जो होता है ना, वो भी है, और सफद गाज भी है। वेरी गुड। तो मैं क्या खिलाऊं, और ये बहुत उदास उदास जुगाली करती है, हाँ जी, और दूध बिल्कुल नहीं देती, और बहुत उदास उदास देती, मुँह के सामने कोई चीज रखो खाती है, जो होता है ना तूड़ी, वो बड़ी शौक से खाती है, तो आप बताएं इसका मैं क्या करूँ ताकि ये खाना शुरू कर दे। इंशाल्लाह खाना शुरू कर देगी, इसको प्यार से रखें, और ये अच्छा। चूंकि घर की पली हुई है ये, अच्छा। ये रेवड़ की पली हुई नहीं लग रही मुझे। अच्छा अच्छा। ये घर में बीतल लोग रखते हैं पाल के, पर जब उनको जरूरत होती है पैसों की तो वो अच्छा। बेच देते हैं, या ये कोई इस तरह की एक आध बकरी इस तरह की आपको मिलेगी, और अच्छा। उसके लिए मेरी जान ये है कि जिस तरह आपने मेरे YouTube पे प्रोग्राम्स देख के इसके पेचश का या लूज मोशन का वो इलाज कर लिया और ठीक हो गई, तो इंशाल्लाह ताला इसकी आप डी वर्मिंग करवाएं, एक तो पहली बात है। अच्छा अच्छा। डी वर्मिंग प्रोग्राम देख लें मेरा, डी वर्मिंग का किस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? उसमें निलजान प्लस है या निलवम है, जो भी दवाई है वो लेके जो तरीका मैंने बताया हुआ है, किस तरह आपने उसको खाली पेट सुबह सुबह गुड़ खिला के उसके बाद दवाई वो पिला देनी है, ठीक है? और एक घंटा दो घंटा कोई चीज और खिलानी नहीं और ना पिलाना है, ताकि उसका असर हो जाए दवाई का। उसके बाद ये डीवर्मिंग जो होती है ना, हर जानवर की 3 महीने बाद जरूरी करनी होती है, तो उसके बाद इसको जब अच्छी खुराक देंगे ना, ये जो आपके पास छान बड़ पड़ा हुआ है, गंदम पड़ी हुई है और मकई पड़ी है, जौ पड़े हुए हैं, इसी तरह आप कह रहे हैं कि खल वगैरह भी पड़ी हुई है, वो आप मेरे प्रोग्राम देख लें, जो मैं डिफरेंट उनका देता हूँ फार्मूले वनडे के, वो उनमें से कोई आप फार्मूला देख लें, उठा लें, जो जो चीजें हैं आप उनको मिक्स करके वो एक बेहतरीन उसकी खुराक बैलेंस्ड डाइट होगी, और जिस तरह आप ठीक हो जाए, ये बहुत ज्यादा दुबली है और ये ज्यादा लेजीनेस, इसमें बहुत ज्यादा लेजीनेस देखें, उसमें चुस्ती तभी आएगी जब वो बिल्कुल सही होगी, और उसके अंदर की डीवर्मिंग जब कर देंगे ना, तो जो इसके पेट के अंदर मलाप वगैरह हैं या दूसरी चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो फिर जो भी इसको खुराक देंगे ना, फिर इसको लगेगी, वो लगेगी और फिर ये चाको चौबंद हो जाएगी, फिर आपके पीछे पीछे भागेगी, आप आगे आगे दौड़ेंगे, आप मोटे आप, हाँ सुपरवाइजर हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तानी एयरफोर्स में मैंने 20 साल सर्विस भी की है। वेरी गुड। बस बस इंशाल्लाह, आप बस दुआओं में याद रखें, आप पब्बी में ही है ना? पब्बी तो बड़ी फेमस जगह है, मैं बड़ी दफा
उधर से गुजरता रहा हूँ और बड़े अभी सारे अभी सर गुजरना नहीं है, अभी रुकना है मेरे पास इंशाल्लाह। वो उधर खटक बहुत है हमारे, खटक बरादरी बहुत है, बहुत ज्यादा है वो खटक सर। वो कहते हैं आपने नहीं, बस आप दुआओं में याद, दुआओं में याद है। ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, कमज़ोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रिज्क देता है और तुम्हारी मदद करता है। बुखारी से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फ़ीमान अल्लाह।